अम्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यूज की तरफ से। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि झारखंड में एक युवा एमएलए के रूप में आप उभरी हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, फिर और जनता को देना चाहती हूँ, और हमारे महागठबंधन के जितना भी कार्यकर्ता है, नेता है, सब सबको देना चाहती हूँ। राहुल गांधी सर को देना चाहती हूँ। जी, आपका नाम देखें तो मंत्री पद की रेस में भी और खबर आ रही कि शिक्षा मंत्री आपको बनाया जा सकता है। क्या लगता है आपको, किस इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं आप? जी, जब उतरे हैं अपने राज्य में काम करने के लिए, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा कि मुझे वो जिम्मेदारी मिलेगी, और मैं राज्य में काम भी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे जिम्मेदारी मिले। मेरा जो सोच है, मेरा जो सपना है झारखंड को लेके, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य भी होगा, और एक ये जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगी। यूपीएससी की तैयारी से एकदम अचानक राजनीति में आप कैसे आए? मैं संघर्ष की उपज हूँ। मैंने अपने बचपन से हम बहुत स्ट्रगल किया है अलग-अलग फील्ड में पहले तो, और मैं एक ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पे लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती थी उतना ज्यादा। मतलब मेरी पढ़ाई कारमेल बालिका उच्च विद्यालय में हुई है, 10वीं। उसके बाद 12th मैंने प्लस टू किया है डीएवी स्कूल से, उसके बाद बीआईटी से बीबीए किया है, फिर एक्सएसएस से एमबीए किया है। उसके बाद मैं यूपीएससी का तैयारी करने चली गई थी, और कुछ महीने के बाद पता चला मेरे डैड पे बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं, झूठे झूठे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि ऐसे ऐसे आरोप मेरे डैड पे लग सकते हैं, तो मैं वापस आई। फॉर सम डेज आई केम बैक, और फिर मैं देखी कि बहुत ऐसे ऐसे अखबार में खबर आ रहे हैं, और हम लोग रेस्टलेस हो जाते थे, ब्रेथलेस हो जाते थे पढ़ के। इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर अस। और उसके बाद व्हेन आई गॉट वी वर ट्राइंग कि डैड ये सारे चीज से बाहर निकल के और चुनाव लड़े, बट वो सरेंडर किए, ही वेंट जेल। उनको चुनाव से दूर रखने का ये पूरा साजिश किया गया था कंपनीज के द्वारा, और क्योंकि वो बहुत आंदोलन करते थे लोगों के हित में, जल जंगल जमीन बचाने के लिए, और यहाँ पे झारखंड में जो कंपनीज के द्वारा जो किया जा रहा था, बस जमीन लूटने का काम। तो और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, और बहुत बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 22 कोल कंपनीज वहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, तो मतलब वो जमीन का मुआवजा को बढ़ाने का लड़ाई लड़ते थे, तो ये सारा गेम चल रहा था पापा के अगेंस्ट। तो फाइनली उनको चुनाव से दूर किया गया, मॉम को टिकट मिला। आई थॉट दैट आई विल बी देयर, हम घर पे रह के और घर संभालेंगे, बट फिर मुझे क्षेत्र में उतरना पड़ा माँ के लिए। कैंपेन की, कभी राजनीति का आता पता नहीं था व्हाट इज राजनीति, बट इट वॉज टाइम जब हम लोग कोई फैमिली मेंबर कार्यकर्ता को भी नहीं पहचानते थे, बिकॉज डैड कभी भी किसी को इन्वॉल्व नहीं करे थे पॉलिटिक्स में। वो कैसे जीतते थे, वो कैसे काम करते थे, दैट वाज स्टिल वो उन तक ही रहता था। हम लोग बस देखते थे कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, और फिर फाइनली हम लोग बहुत कैंपेन किए और मम्मी के लिए हर जगह घूमे फिरे, एंड फाइनली मॉम जीती। उस टाइम का पार्टी का भी बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था। उस टाइम नए नए पार्टी, मतलब ये बीजेपी नए नए जुमलेबाजी में लोगों को फंसा के और हमारे मतलब लोगों को गुमराह कर रही थी, तो उस टाइम भी मम्मी जीती थी। और जब मॉम जीत गई थी तो आई स्टेड विद हर कुछ महीने, उसके बाद फिर आई केम बैक टू कंटिन्यू माई यूपीएससी प्रिपरेशन। फिर से मुझे शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि थोड़ा गैप हो गया था, तो फिर मैं पढ़ी और रात दिन पढ़ी थी, बिकॉज बहुत कुछ देख के गई थी यहाँ से, और मेरा मतलब इंस्पिरेशन बहुत हाई हो गया था कि अब तो मुझे हर हाल में निकालना है एग्जाम। और मैं रात दिन पढ़ती थी बिकॉज इतना सारा इनजस्टिस देखा था डैड के साथ होते हुए, लोगों के साथ होते हुए, दैट इंस्पायर्ड मी सो मच। फिर मैं अपना
पढ़ाई एकदम रात दिन करती थी, मैं लाइब्रेरी में ही रहती थी, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैं अपना रूम और लाइब्रेरी से ही रिश्ता रहता था मेरा, और क्लासेस से। फिर मेंस मैंने दिया, उसके बाद फिर सॉरी प्रीलिम्स दिया मैंने, मेंस नहीं दे पाई बिकॉज घर जाना पड़ा। अचानक से पता चला कि कफन सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, उसमें गोलियां चली पुलिस के द्वारा, 4 लोग मरे गए, और उल्टा केस मम्मी पे हो गया, और माँ के साथ साथ भाई सब पूरा फैमिली को फंसा दिया गया था। अगर मैं रहती उस समय अपने घर पे, तो मुझे भी मेरा भी नाम डाल दिया जाता, बट आई वॉज देयर इन दिल्ली। तो मैं वापस आई, आई मैंने अपने भाई को जेल से निकाला, फिर अपने मॉम डैड का बहुत सारा केस कर दिया गया था, उसमें बेल करवाते करवाते, फिर हमेशा मैं एक बेल करवाती थी तो एक और फॉल्स FIR लॉन्च हो जाता था। आई वॉज नियर टू ब्रिंग माई डैड आउट ऑफ जेल, और फिर केस हो जाता था। तो दैट वॉज पूरा फुल टॉर्चर, और फुल टारगेट में मेरा फैमिली रहता था रघुवर दास के। और जब हम हमारे खिलाफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को खड़ा किया जाता था, कोई मतलब मेडियोकर वकील कोई रहते ही नहीं थे, हमेशा यही दो हमेशा अपीयर करते थे हमारे अगेंस्ट। तो हमें भी अच्छे लॉयर, बड़े लॉयर चाहिए थे, और फिनेंशियली वी वर नॉट वेरी स्ट्रांग इनफ टू अफोर्ड। तो पार्टी राहुल गांधी से मिली थी मैं अपॉइंटमेंट लेके, एंड देन ही हेल्प अस, तभी वो मुझे भी जाने, तभी वो हमारा स्ट्रगल पहले से भी वो जान रहे थे, और उसके बाद और जाने को उनको मिला। एंड देन ही ऑलवेज हेल्प अस लॉयर्स के साथ, मतलब लॉयर्स हमें उसमें हमें मतलब हमारा खर्च नहीं होता था लॉयर्स में दिल्ली में। जी और उसके बाद फिर आई थॉट दैट आई हैड टू टेक माय डैड आउट, बिकॉज वो जो जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ रहे थे, दैट इज आई इतना जो फील्ड में मैं घूम रही थी, उनका माँ को भी राज्य बदर कर दिया गया था, डैड भी नहीं थे, तो क्षेत्र पूरा सन्नाटा हो गया था। और बीइंग अ विधायक, माय मॉम हैड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्षेत्र में। तो लोग मेरे घर आते थे, और फिर मैं आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ हर, और पूरा जो भी MLA का काम होता है आई ट्राई टू लुक फॉर दैट। मैं सारा काम खुद से देखने लगी। आई थॉट दैट टिल द टाइम माय मॉम डैड इज नॉट देयर, आई हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोगों को ये फील नहीं कराना। मतलब आई ट्राई टू, मैं मॉम डैड का उपस्थिति दर्ज करती थी हर जगह जाके, एंड ऑलवेज वर्कड हार्ड टू ब्रिंग माई डैड मॉम आउट। बट जितना एफर्ट लगाती थी उतना एफर्ट सरकार के सारे तंत्र हमारे पीछे लगे रहते थे, SP DSP हमारा मैटर सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट आते थे, और आई कुड सी एवरी डेट SP DSP को वहां पे। जी तो इट अमर वॉज जी, अगर देखा जाए तो ऐसे में क्यों रघुवर दास की बात करें, वो आपके घर पे भी आए थे, उन्होंने आपके पिता से कहा था कि जो आपकी माता है वो राज्यसभा में वहां वोट ना डालें जब वहां चुनाव हो रहे थे, इसी के साथ राइट जिस तरह से राज्य बदल कर दिया गया, क्या मंशा क्या थी बीजेपी की इसके भी? मंशा, ये जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, वो बड़े बड़े कंपनीज को जो बीजेपी संरक्षण दे रही थी, करोड़ों का घोटाला कर रहा था, सब दोनों समझिए दोनों हाथ से ये लोग लूट रहे थे। वैसे तो झारखंड को ऑल टुगेदर लूट ही रहे थे, और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि ज्यादा वहां पे मतलब कंपनीज का नजर रहता है, तो वहां पे ज्यादा संरक्षण दे रहे थे। वहां के महिलाओं को साड़ियां उठा उठा के पीटा जाता था आसपास, जो अगर आने का कोशिश करती थी तो, और लोगों को के ऊपर दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया गया था, ताकि कोई अपना अधिकार का बात नहीं करे। तो भी आप इट वॉज टाइम जब पूरी महिलाएं हजारों संख्या में लेट गई थी जमीन में, आंदोलन के टाइम बुलडोजर नहीं चलाने देंगे अपने जमीन में, तो उस समय कफन पहन के मेरी माँ भी लेट गई थी। इट वॉज वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट, बट दे ट्राई टू ब्रेक द प्रोटेस्ट, और गोलियां चलाई गई और 4 लोग को मारे गए, 6 लोगों को गोली लगी थी। और दिस वॉज वेरी वेरी मच इन टू पेपर, और इसमें उल्टा मतलब मॉम पे केस हुआ, उल्टा मतलब भाई को फंसाया गया, डैड को फंसाया गया, और बहुत सारे हमारे ग्रामीण जनता को भी उस केस में डाल दिया गया, हजारों लोग इस केस में फंसाए गए, ताकि ये बस तोड़ने का कोशिश किया गया था हमारे लोग को। जी जिस तरह के एंड इट हालात वाज बिग स्ट्रगल, क्योंकि हमारे साथ कोई भी काम करने से डरता था, क्योंकि सोचता था कि हम इनके साथ काम करेंगे तो हमको केस में फंसा देंगे,
और ऐसा होता भी था, कोई हमारे साथ घूमते रहता था या फिर ज्यादा एक्टिव हो जाता था हमारे साथ फील्ड में, तो उनको भी मतलब या तो कोई केस में फंसा दिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, या फिर मतलब हमेशा परेशान कर दिया जाता था, या फिर उसको बुला के एक बार धमकी दे दिया जाता था कि संभल के रहो। जी, और अगर देखा जाए जिस तरह हम से पे भी केस हुआ जब हम फील्ड में विजिट करना स्टार्ट करे, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड आई हैड क्रॉस दिस टाइम। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सोच के दैट आई हैव एक्चुअली आई हैव डन इट। जी यूटनिट, और अगर अभी की बात करें, जब अगर बात करें पुरानी, तो उस दौरान ये जो हालात थे, जिस तरह से लगातार सरकार आप पे कहीं ना कहीं पूरी पूरा तंत्र आजमा रही थी, तो आप अभी तक बाहर रांची में होती थी, वहां पे माफ करिए अपने आप क्षेत्र में आप होती थी, बड़का गांव में, तो उस दौरान क्या घर की चार दीवारी से निकलने में कभी आपको डर लगता था? नहीं, आई एम फ्रॉम वेरी ब्रेव फैमिलीज, लाइक माई डैड इज, वी आर वेरी, देखो डर किसको लगता है जो गलत होता है, वेन वी वर डूइंग गुड थिंग फॉर पीपल। और जब मेरे डैड जेल जाने से नहीं डरते थे, जब मेरे डैड लाठी खाने से नहीं डरते थे, तो दैट ऑल्सो मोटिवेटेड मी टू डू लाइक, बिकॉज इट वॉज फॉर पीपल, इट वॉज नॉट फॉर मी पर्सनली। जी, अच्छा, तो यूपीसी की पढ़ाई कर रहे बट क्या? जी जी ये बोलिए। लगता था कि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एरिया ऑल्सो। तो आई ट्राइड कि ये लोग को कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दे वर ऑलवेज इन टू मौका कि कुछ कहीं आस पास रहे और कोई घटना हो तो इसका भी नाम डाल दे। बट गॉड ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम दैट एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट। एक केस भी हुआ, DSP सादे कागज में साइन करवा के मेरे किसी चौकीदार से केस करवाने का कोशिश किया, विच वॉज वेरी वायरल एंड DSP वॉज हैज बीन एक्सपोज ऑफ इट। तो उस समय काफी सिंपथी लोगों का जाग गया था, दे अंडरस्टूड दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अगेंस्ट अस। जी, अभी की बात करें बड़का गांव की जनता की, कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे? जी, विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या हमारे क्षेत्र में, और ये मैं हमेशा देखती आई हूँ, और जिसके लिए मेरे माता पिता ने बहुत त्याग दिया है। हम लोग पूरे फैमिली बहुत कुछ खोए हैं, और इस मिट्टी से हम लोग को दर्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग अपना फैमिली भी सब इधर उधर बिखर गए थे इस लड़ाई में। तो हम चाहते हैं कि इस लड़ाई का सम्मान बचे, इस लड़ाई में हम लोग को सफलता मिले, और जो मुआवजा है उसको बढ़ाना है, और वहाँ पे जो विस्थापन का इशू है उसको सॉल्व करना है, तभी मैं अपना जीत समझूंगी। और दूसरी चीज है, जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा है हमारे क्षेत्र में, और शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त करना है, फिर महिला भी बहुत मतलब काफी पीछे है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, तो उनके लिए भी कुछ करना है ताकि वो और मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हो, उनका उत्थान हो। झारखंड में एक अलग सोच के साथ जैसे लोग मतलब काम किए हैं आज तक, और जैसे कि बीजेपी हमेशा, झारखंड इतना रिच स्टेट है और झारखंडी लोग इतने गरीब है, तो ये जो चल रहा है इस परंपरा को खत्म करना है, और यहाँ के लोग कैसे डेवलप करें उसके बारे में विल वर्क। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मजी, बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए।